अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने फर्दे जुर्म आयद की है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और दीगर पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। मुलजिमान का सह जुर्म से इनकार, अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब गवाहान को तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने फर्दे जुर्म आयद की है। आपको बताएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और दीगर पर फर्दे जुर्म आयद की गई है। मुलजिमान का सह जुर्म से इनकार, अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब गवाहान को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने फर्दे जुर्म आयद की है। आपको बताएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और दीगर पर फर्दे जुर्म आयद की गई है। मुलजिमान का सह जुर्म से इनकार, अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब गवाहान को तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने फर्दे जुर्म आयद की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि फर्दे जुर्म उन पर आयद की गई है। शहबाज शरीफ ने नैब के बारे में बोला कि नैब आज तक हमारे खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका है। शहबाज शरीफ ने कहा, यह इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला है, आज तक नैप हमारे खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका। तफसीलात जान लेते हैं नबील नकवी से। नबील नकवी, बताइएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पे शहबाज शरीफ और दीगर पर फर्दे जुर्म आयद की गई है, मजीद क्या तफसीलात है? एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन सजाए तफसाद केस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ और हमदर्द शहबाज को आज एक दफा फिर से बख्तरबंद गाड़ी में जो है पेश किया गया है। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन समा केस तक समाप्त कर रहे हैं। केस की समाप्त शुरू हुई तो हमने शहबाज शरीफ ने अदालत में मौका को अपनाया कि फिजियोथेरेपिस्ट अभी तक नहीं मिला है, मेरी कमर का दर्द जो है वो सबसे बढ़ चुका है, जबकि आज समाप्त थी, आज नहीं है, कल मुझे अस्पताल लेके जाया जाएगा। मैंने कल भी मुझे एम्बुलेंस में लेकर गए थे, मुझे बख्तरगंज बंद गाड़ी में जो आज भी लेकर आए, जिसके बाद अदालत ने हुक्म देकर मियां शहबाज शरीफ को बिठा दिया जाए। इनकी कमर में पहले ही दर्द है, जबकि दूसरे जाने पर अदालत ने शहबाज शरीफ पर फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद कर दिए, जबकि मुलजिमान की जानिब से जो है। बहुत शुक्रिया नबील नकवी, आप हमें अपडेट।